राम राम सभी दोस्तों को, देशवाड़ व्लॉग में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं आया हूँ हरियाणा के प्रसिद्ध गांव मांडोठी में, और मांडोठी में जो मेरे पीछा आप देखने लाग रहे हो ये है दादा साधराम धाम, जो कि काफी मशहूर है और गांव से बाहर है ये, लेकिन अंदर से आप देखोगे इसने तो बहुत ही सुंदर स्थान है। साथ में बाबा साधराम का पवित्र तालाब भी है। तो आज आप लोग आने जो पूरा धाम में दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, इस तरफ से हम आए थे, खेतों से ही रास्ता है इसका आने का, और यहाँ से इसका छोटा गेट है, मेन गेट है वो इस तरफ है, लेकिन वहां पर कच्चा रास्ता है और अभी बरसात हुई थी तो पानी भर गया सोनू, वहां से नहीं आ पाए। और बहुत ही सुंदर धाम है दोस्तों, वीडियो को मत सूखना, आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा ये धाम देख कर। साथ में मेरे दोनों बच्चे हैं और मेरी धर्मपत्नी है, तो यहाँ से इंटर करते हैं। भाई देखो, हरियाणा में दोस्तों एक से एक धाम है, और इन धामा की भाई एक खासियत है, अगर आप आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी तो परेशान हो, आपका मन उथल पुथल हो रहा है, तो इसे धामा पर आप लोग आने जरूर आना चाहिए। देखो एंट्री करती है, कितनी हरियाली और कितनी ग्रीनरी है। ये देखो काफी सारे पेड़ यहाँ पर लगा रखे हैं, और सामने आपने दादा साधराम की समाधि दिखाई देगी होगी, ये दादा साधराम की समाधि है दोस्तों। और यहाँ से चला तो समाधि के आगे ये काफी बड़ा प्रांगण है भाई, बहुत अच्छी जगह है, शांति है, पक्षियों की आवाज है। यहाँ पर समाधि का गेट है साथियों, इस तरह से ये समाधि बनाई गई है, और इस तरफ दोस्तों दो प्याऊ है पानी पीने के लिए। हरियाली की मैं बात करूं तो काफी हरियाली इस धाम में है, बड़ी सुंदर जगह है। ये प्याऊ होगी भाई दो पानी पीने के लिए, और इस तरफ समाधि के ऊपर ये देखो जिन्ना चढ़ा दिया, अभी अभी आपने कोयल की आवाज सुनी होगी, और मोर दिखा दूं आप लोगों ने, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये देखो सामने मोर है। तो सबसे पहले दोस्तों समाधि में धोख मार लेवांगे। ये देखो ये बाबा जी की समाधि है, अंदर से मार्बल का फर्श कराया गया है, और ऊपर बहुत प्यारी छत बनाई गई है, इसकी कॉलम दिए गए हैं, और ये है भाई दादा साधराम की समाधि, दर्शन आप लोग कर सको। समाधि के ठीक सामने दोस्तों ये इस प्रकार से धर्मशाला बनाई गई है, ताकि कोई भी आयोजन हो तो श्रद्धालु यहाँ पे आराम कर सकें। ये एक तो ये होगी, और एक ये इस तरफ होगी, ये देखो ये इस तरह से एक ये है, और ये बड़का पेड़ देखो दोस्तों, कई साल पुराना पेड़ है ये बड़का। अभी दोस्तों हम समाधि के पीछे चलते हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं पहलवानी की, यानी कि कुश्ती की, उन लोगों ने भी आप लोग आज मैं दिखाऊंगा एक बार। और देखो ये बाग है पीछे समाधि के, बहुत सुंदर बाग है, और ये सामने बच्चे प्रैक्टिस करने लाग रहे हैं, और आप पेड़ देखो कितने पेड़ यहाँ पे है, बड़ा ही शांति की जगह है। और यहाँ पर दोस्तों एक यहूदी बनाई गई है भाई, जैसे बच्चे प्रैक्टिस कर लें तो फिर यहाँ पे भी नहा सकें। आप लोग भी दोस्तों समय निकाल कर ऐसी जगह पर जरूर आया करो, आपका मन जो है बिल्कुल खुश हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी, चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाज, बच्चे मेहनत करने लग रहे हैं, अखाड़ा भाई। अभी जो है मैं बाबा साध का जो पवित्र तालाब है वो आप लोगों ने दिखा दूँ, और यहाँ पर भाई बहुत अच्छी आवाज़ आओ पक्षिया की, बिल्कुल मन खुश हो गया दोस्तों मेरा। ये देखो भाई ये सामने बाबा का जो पवित्र तालाब है ये वो है, काफ़ी बड़ा है, वीडियो में आपने छोटा दिखाई देता होगा लेकिन काफ़ी बड़ा है। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों ने दिखाए बाल पहलवान, और अभी आ गया हूँ मैं मंदिर के बिल्कुल फ्रंट में, जाने लग रहा हूँ। ये देखो इस तरह से पेड़ लगाए गए हैं भाई, और पेड़ों के चारों तरफ ये चबूतरे बना दिए गए हैं, क्योंकि बड़के और जो पीपल के वृक्ष हो है उन पर चबूतरे बना रहे हैं। तो छोटे लाल कैसा लगा धाम? बढ़िया। आपको देवराज? मने बढ़िया लगा। अच्छा लगा? हाँ। मन खुश हो गया? हाँ। तो अभी दोस्तों देखो जो मुख्य गेट है वो इस तरफ है, वो आपने दिखाई दे, और इस तरफ भी एक होल बनाया गया है जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और कुछ साथी पहलवान अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रस्सा भी यहाँ पे लगाया गया है, और एक होल यहाँ पे है छोटे, इसका नीचे का काम नहीं कराया गया है क्योंकि शेड जो है नहीं डाली गई है। तो बहुत अच्छी जगह है भाई दोस्तों,
एक बार आप लोग अगर मांडोठी गांव के नजदीक हो तो दादा साध के धाम पर जरूर आइयो, जरूर मन खुश हो जाएगा। हरियाली है और पक्षी कितनी बड़ी आवाज आ, आराम से बैठ के सुनो और मन लगे। बिल्कुल पापा यो के यो भी बेटे देख, एक किस्म का अखाड़ा लगा ले इसने, जैसे कि ऊपर साइड लगा दी गई ना और नीचे मैट बिछा सके हैं जो पक्का कर रखा है। इसके ऊपर आने वाले टाइम में जो गांव के लोग हों हैं वे जैसे पंचायत वगैरह में निर्णय कर गए और सरकार तो मांग कर लेंगे कि हम हाँ कि हमने अपने पहलवानों के लिए मैट चाहिए, तो ये मैट के लिए बनाया गया बेटे। ऊपर साइड का काम तो बिल्कुल पूरा हो गया और मैट डल सकता है, मैट डल लेंगे छोटे, ये मैट के लिए ही बनाया गया बेटे। सही फिर सोनू ये है ना, सरकार से डिमांड करनी पड़े है, जो अपने एमएलए एमपी हों तो डिमांड करनी पड़े कि भाई ऐसे ऐसे खाड़ा है उस धाम पे तो वहाँ के लिए मैट की व्यवस्था करी जाए। हाँ, फिर ये तो है, ये अपील तो करनी पड़ेगी ना, तो हाँ। घर तो पहलवान की तबूत है। बिल्कुल। तो अभी दोस्तों हम मंदिर से चल पड़े हैं और अभी रास्ता देखो दोस्तों जहाँ से हम आए थे, अभी चल छोटे आगे। तो ये देखो भाई यहाँ से जावांगे हम, चारों तरफ दोस्तों हरियाली है। ये देखो साथियों पक्षी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और भाई हरियाली देखो आप लोग। ये रास्ता इस तरह से क्योंकि बरसात आई थी और धान की जो फसल है साथियों वह बहुत ही अच्छी है, अब की बार पानी की कोई कमी नहीं है। सामने सूर्य देवता है और इस तरफ भी देखो पूरी हरियाली है। हाँ, सोनू बरसात अच्छी हुई, हाँ, तो बरसात बहुत बड़ी, बरसात होने के कारण है ना कई लाख लीटर डीजल बच गया है सरकार का, और किसानों का भी फायदा हुआ है, किसानों की, हाँ किसानों का भी बहुत फायदा हो गया है, हाँ। करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। पापा मेरी भी पहलवानी स्टार्ट करवा दे। बेटे पहलवानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी छोटे, तो गाँव में छोड़ दूं आपने वापिस। भाई छोटा पहलवान बनना चाहोगे दोस्तों कमेंट करके बताओ, मैं इस अखाड़े में छोड़ू या ना छोड़ू। छोड़ दो। और आप क्या बनना चाहोगे? मैं पहलवान बनूंगा। पहलवान बनोगे? चलो भाई कोशिश करते हैं। गेल में नहीं छोड़ दी इनकी, गेल ही मेरे। वैसे आप तो पहला है पहलवान हो देखियो है छोटे, आपकी मम्मी तो वैसे ही पहलवान है। ये दोनों जाएंगे तो इनकी गेल में चली जाएंगी। तो भाई देखो पीछे मंदिर रह गया हमारा, 2 एकड़ हम चल का आ लिए हैं, अभी ये करीब 1.5 एकड़ और जाना है, फिर आ जाएगा मेन रोड, उसके बाद चलते हैं आगे।